नमस्कार। सकल कुच बिहार वासी देर आमार सादोर प्रणाम। दंदोबत सगाय के मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं मदन मोहन ठाकुर जी और बोरो देवी को पूरी श्रद्धा से नमन करता हूं। आज यहां कुच बिहार के साथ साथ अलीपुर द्वार से भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। विशेष रूप से माताएं, बहनें, बेटियां इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने पहुंची है। आपका यही आशीर्वाद जिसके कारण पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार आबार। भाइयों और बहनों, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहां जब बाय रोड आ रहा था, पूरे रास्ते पर ऐसा एक लग रहा था जैसे बड़ा रोड शो हो रहा है। ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर है। आज मैं सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि 2019 में मैं इसी मैदान में सभा करने आया था तो उन्होंने एक बड़ा मंच बीच में बना करके मैदान को बहुत छोटा कर दिया था ताकि लोग मोदी को सुन न सके। और मैंने उस दिन कहा था कि दीदी आपने अच्छा नहीं किया, अब जनता आपको जवाब देगी, और आपने जवाब दे दिया। लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैदान खुला रखा। तो मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आपका दर्शन करके आज मेरा जीवन धन्य हो गया, और इसलिए मैं बंगाल सरकार को कोई रुकावट न करने देने के लिए जरूर आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का ये समय भारत के लिए बहुत अहम है। ये समय विकसित भारत बनाने का है, और जब भारत विकसित होगा तो बंगाल उसका बहुत बड़ा लाभार्थी होगा। बंगाल के मेरे भाई बहन उसके सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। ये समय महाराजा नरनारायण, वीर चिल्ला रॉय और ठाकुर पंचानन वर्मा जैसे महान सपूतों के सपनों को पूरा करने का समय है।
और इसलिए 19 अप्रैल को जब आप मतदान केंद्र पर वोट डालने जाएंगे तो इस बात को बराबर याद रखिएगा। और हम याद रखें, ये देश का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान का चुनाव है, ये देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का चुनाव है। और इसलिए दिल्ली में कोई कमजोर सरकार नहीं बल्कि स्थिर और मजबूत सरकार जरूरी है। आप मुझे बताइए, क्या देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी मजबूत सरकार देता है कि नहीं देता है? आगे भी देगा कि नहीं देगा? और इसलिए देश की सरकार बनानी है, मजबूत सरकार बनानी है, काम करने वाली सरकार बनानी है। साथियों, आजादी के बाद हमारे देश में 6-7 दशक तक लोगों ने केंद्र सरकार में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मॉडल देखा। अब पहली बार देश ने बीते 10 साल में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार का मॉडल देखा है। आज दुनिया कहती है कि मोदी मजबूत नेता है, दुनिया कहती है मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने वाला नेता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मोदी तो भारत की जनता जनार्दन का एक बहुत सामान्य सेवक है। मोदी कड़े और बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं। और इसलिए मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी ने गरीब को उसका हक भी दिया और गरीब के वो लूटने वालों के खिलाफ कड़े और बड़े फैसले भी लिए। मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश आतंकवाद से मुक्त हो। मोदी ने बड़े फैसले लिए ताकि 140 करोड़ भारतीयों को नए अवसर मिले। आज गांव-गांव डिजिटल हो रहा है, घर-घर फोन पहुंच गया है, ऐसा आधुनिक नेटवर्क दुनिया के कई विकसित देशों में भी नहीं है। मोदी ने बड़े फैसले लिए,
ताकि गांव और गरीब का एससी एसटी और महिलाओं का जीवन आसान हो। कांग्रेस तो दशकों तक देश को गरीबी हटाओ का नारा देती रही। ये बीजेपी सरकार है जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर दिखा दिया है। और इसलिए हुआ क्योंकि हमारी नीयत साफ है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे भी सही। ताई आमी बोली, उद्देश्यों छोटी ताले परिणामों छोटी। साथियों, मोदी आपके भविष्य की चिंता कर रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के सामने ये दशकों पुरानी चुनौतियां हटा रहा है। मोदी की नीयत सही है, इसलिए अनेक दशकों बाद जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। मोदी की नीयत सही है, तभी दशकों के इंतजार के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, महिलाओं और को संसद और विधानसभा में आरक्षण मिला है। मोदी की नीयत सही है, इसलिए 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है। और इसलिए देश कहता है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। पश्चिम बंगाल के करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है, क्योंकि मोदी ने इसकी गारंटी दी थी। यहां बंगाल के करीब 40 लाख गरीबों को पक्का घर मिला है, क्योंकि मोदी ने इसकी गारंटी दी थी। पश्चिम बंगाल के करोड़ों परिवारों को पहली बार टॉयलेट मिला, बिजली मिली, गैस मिला, नल से जल कनेक्शन पहुंचा, क्योंकि ये मोदी की गारंटी थी। यहां बंगाल के किसानों के खातों में हमने पीएम किसान सम्मान निधि के 8,500 करोड़ रुपए सीधे भेजे, क्योंकि ये मोदी की गारंटी थी। और साथियों, 10 साल में जो विकास हुआ, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। हिंदुस्तान के हर इलाके में हुआ, हिंदुस्तान के हर परिवार तक पहुंचा, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन आप याद रखिए, ये जो 10 साल में हुआ है ना, 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। दस बछोरे जा होलो ओटा ट्रेलर छिलो। अभी तो मुझे
बहुत करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। अभी तो हमें पश्चिम बंगाल को बहुत आगे ले जाना है। मेरे विरोधी कहते हैं मोदी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी के लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। आप मुझे बताइए, आप भी मेरा परिवार है कि नहीं है? आप भी मेरा परिवार है कि नहीं है? आमार भारत आमार परिवार। भाइयों और बहनों, बंगाल के विकास के लिए यहां बीजेपी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बीजेपी ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। इसलिए यहां हर बूथ पर कमल छाओ गांव में लाखों बहनें सहायता समूहों से जुड़ी है। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को, मेरी माताएं बहनें सुनिए, मोदी ने गारंटी दी है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की मेरी गारंटी है। मैं आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका उत्साह पूरा देश देख रहा है। ये बंगाल का मिजाज पूरा देश देख रहा है। तीन करोड़ लखपति दीदी बनाना और दूसरा नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत बहनों को मैं ड्रोन दे रहा हूं, उन्हें ड्रोन पायलट बना रहा हूं। ड्रोन से होने वाली खेती में बहनों की बड़ी भूमिका होगी, उनकी आय बढ़ेगी। मेरा प्रयास है कि माताओं बहनों के हमारे समूह आत्मनिर्भर भारत को गति दे। साथियों, कुछ बिहार हो, अलीपुर द्वार हो, ये पूरा क्षेत्र अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। इसलिए बीजेपी सरकार इस पूरे क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर काम कर रही है।
बांग्लादेश के साथ व्यापार कारोबार करना आसान हो, कानूनी तरीके से वहां आना जाना आसान हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का इंडी गठबंधन सिर्फ झूठ और अफवाह की राजनीति में ही जुटे हैं। इन्होंने राजवंशी, नामशूद्र और मतुआ साथियों की कभी परवाह नहीं की, लेकिन आज जब बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना ये मोदी की गारंटी है। मैं पश्चिम बंगाल के हर परिवार से कहूंगा, ये टीएमसी वाले, वामपंथ वाले डराएंगे, अलोकतांत्रिक तरीके आजमाएंगे, लेकिन आपने 10 साल मेरा काम देखा है, आप मोदी की गारंटी पर भरोसा कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति ही झूठ पर, भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टिकी हुई है। इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहां टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ाई करते दिखते हैं, लेकिन दिल्ली में सारे एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। अब देखिए, ये राशन घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाले में जो लोग जुड़े हैं ना, उनको बचाना चाहते हैं। आपने भी देखा है कि टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकले हैं। ये सब मिलकर इन लोगों को बचाना चाहते हैं जिन्होंने नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवारजनों को धोखा दिया है। वे लोग उनको बचाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं? जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये पैसा आपका है, किसी को लूटने का अधिकार नहीं है। और ये इनको बचाने के लिए ये जांच में रोड़े अटकाते हैं और दिन रात मोदी को गालियां देते हैं। ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, खून खराबे की राजनीति ऐसे ही चलती रहे। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ,
तारा बोले भ्रष्टाचारी बच्चों, मैं इन भ्रष्टाचारियों को दो टूक कह रहा हूं, आपकी धमकी से कुछ नहीं होगा। ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। और बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आने वाले 5 वर्षों में भ्रष्टाचारियों पर और कड़ी कार्रवाई होगी। भाइयों और बहनों, इन चुनावों में टीएमसी को कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी है। मैं बंगाल की जनता के लिए जो भी योजनाएं लाता हूं, यहां की सरकार उसे यहां लागू ही नहीं होने देती। टीएमसी ने आयुष्मान भारत योजना को रोका है। अभी आयुष्मान योजना ऐसी है कि मान लीजिए आप किसी कारण से मुंबई गए और वहां बीमार हो गए, अगर आयुष्मान कार्ड होगा ना तो मुंबई में भी आपकी मुफ्त में इलाज होगा। आप चेन्नई गए और कुछ हो गया तो वहां भी आपका इलाज होगा। लेकिन वो काम ये टीएमसी सरकार करने नहीं देती है। यहां अगर ये योजना होती तो दूसरे राज्यों में इलाज के लिए जो मरीज जाते हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता। बीजेपी सरकार की पहचान मेडिकल कॉलेज और एम्स बनाने वाली सरकार की है। हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार ये भी करने नहीं देती। पूरे देश में गांव की सड़क, नेशनल हाईवे, आधुनिक रेलवे, एयरपोर्ट, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड पैसा देने के बावजूद टीएमसी सरकार की रोक टोक से प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाते। साथियों, देश को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में टूरिज्म की भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। एक क्षेत्र टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। देश आज स्पोर्ट्स की नई क्रांति की तरफ बढ़ रहा है, इसमें भी क्षेत्र की बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं। बीजेपी ही है जो राजवंशी परंपरा को, भाषा संस्कृति को, अपने महापुरुषों को सम्मान दे सकती है। बीजेपी ही है जो चाय बागानों में काम करने वालों के कल्याण के लिए काम कर सकती है। इसलिए 19 अप्रैल को भारी संख्या में मतदान करना है। कुछ बिहार में श्री निशित प्रामाणिक जी और अलीपुर द्वार में श्री मनोज तिग्गा जी को भी भारी मतों से विजयी बनाना है। हमारे निशित जी ने लगातार बंगाल की आवाज उठाई है, आपको उन्हें फिर से रिकॉर्ड मतों से जिताकर लोकसभा भेजना है। और मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। गर्मी बहुत होगी, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, सूरज निकलते ही तुरंत मतदान के लिए चल पड़े, सुबह सुबह ही मतदान कर दें। और दूसरा, ये टीएमसी के गुंडे आपको वोट देने से रोकते हैं, पूरी हिम्मत के साथ खड़े हो जाइए। इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत जागरूक है, आपके
एक एक वोट की ताकत वो समझता है और इसलिए निडर होकर वोट देने के लिए निकलना है। मेरा एक काम करेंगे आप लोग, मेरा एक काम करेंगे पक्का करेंगे, जरा अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू कीजिए, सब अपना मोबाइल निकाल करके जरा फ्लैश लाइट चलाइए, फिर मैं बताता हूं क्या काम करना है। आप अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू कीजिए सब। अच्छा मेरा एक काम करेंगे करेंगे, देखिए यहां से जब जाएंगे तो घर घर जाना और जाकर के हर एक परिवार में कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, ये मेरा संदेश दे देंगे, मेरा प्रणाम घर घर पहुंचाएंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।